ठीक कुछ के पता वो कुछ भले के घर पे पता जम्मर सर बड़ो आज के वेलों का नाम है नंगा वेलों खान भाई। वाह यार चक्कर 250 रुपए 250 था 513 ऐसा पता था। अरे से जल्दी बनना यार कूलर बनना बंद रहो तो काम करना। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं द ग्रेट zk और आज एक नए ईद का सेकेंड डे है और यहाँ हम जा रहे हैं अभी अपने पुराने डेस्टिनेशन पर। और देखते रहिए कि कहाँ हम जाएंगे। तो वही ग्रुप मेरे साथ हैं, काफ़ी लोगों ने रिक्वेस्ट की कि आप अपने पुराने ग्रुप के साथ नहीं जा रहे हो। मेरा नया पुराना यही है सारा, इसके बड़े थे वो सारे बुज़ुर्ग हो गए, अभी ये मेरे साथ ही जितने जवान हैं अभी ये ऐसे ही रहेंगे, बूढ़े रहेंगे, मैं ऐसे ही जवान रहूँगा। तो स्टे ट्यून विद द ग्रेट zk के साथ ये ग्रुप है और उम्मीद करता हूँ आप लोगों के दुआओं के साथ हम पहुँचेंगे अपनी जगह पे। और जगह जब पहुँचेंगे तब आप लोगों को पता चलेगा। तो साथ रहें, आज ईद का दूसरा दिन है और ये मौसम में अभी अभी बारिश रुकी है। जी यहाँ हम आउट जो उर्माड़ा से जब आउट होते हैं तो वहाँ एक चौकनमा बना हुआ है, वहाँ पहुँचे। तो अभी कुछ दोस्तों के इंतज़ार में और कुछ हम 3 बाइकें यहाँ साथ हैं, 3-4 पीछे हैं, तो वो इंशाल्लाह आएंगे। फिर उसके बाद हम जाएंगे आगे 0 पॉइंट है और वहाँ हम स्टॉप नहीं करेंगे, हम सीधा जाएंगे अपने मंजिल पर। ये इंशाल्लाह ये जो पिछले का जो सेकेंड डे है ये है, बारिश हो रही है। अभी हम नीचे इसके पेड़ के नीचे करें तो शायद बारिश अभी जो हो रही है। हमारे ये अपना जोएब भाई हैं और जो कैमरे के पीछे हैं वो मैं दिखाता हूँ। कैमरे के पीछे अर्दल अजीज, अपना आसिफ भाई, सलमान भाई और ये। तो यहाँ हम अपने जो यहाँ से आते हैं आने वाले हैं, हमारे कुछ दोस्त हैं वो बहुत देर कर रहे हैं तो उनके लिए हम वेट कर रहे हैं। तो अभी हम ये सोच रहे हैं कि हम आराम से निकलें अपनी जगह पे। तो देखते हैं, तो साथ रहें। हम पहुँचे हैं जी टाक में, थोड़ा करीब आ जाना तो कैमरा पकड़ा हुआ है। तो हम पहुँचे हैं बुजी टाक में और कुछ काफ़ी रहे क्योंकि हम उर्माड़ा से निकले थे नॉन स्टॉप, हम सीधा आए थे जब बुजी टाक में। तो रास्ते में बारिश भी हो रही थी, इस एरिया में बारिश नहीं हो रही है। तो अभी कुछ रेस्ट करेंगे और उसके बाद फिर अगला सफ़र इंशाल्लाह हम आगे गोल जाकर वहाँ रुकेंगे। के साथ रहे, कुछ खाएंगे पिएंगे साथ रहे। तो ये खूबसूरत कुछ सफ़ेद बादलें नज़र आ रहे हैं, कुछ काले हैं और कुछ एंजॉय हो रहा है भाई। यहाँ ये काफ़ी रहे सारे, वही मेरा ग्रुप है, पुराना वाला ग्रुप है। और लाला, ये लाला मतलब मेरा बनाया हुआ है अपने। तो ये भाई भी फिर हम यहाँ से जाएंगे, ये रास्ता यहाँ से पकड़ के तो यहाँ सीधा हिंगोल। गेट असर तो हो गया, अभी मगरब करीब है। तो स्ट्रीट साथ रहें। अभी शायद हवा की वजह से आवाज़ साफ आ रही होगी, नहीं आ रही होगी। तो जाएंगे फिर यहाँ से सीधा और का पी के, क्योंकि कुछ खाया पिया नहीं, मैदा खाली है। तो साथ रहें, हमें सबर करें। हमने इस तरफ जाना है इंशाल्लाह। तो ये हमारे जो ग्रुप है यहाँ, ये कुछ लेना था तो ये साहब भाई निकल रहे। तो मैं भी निकलूँगा, क्योंकि ये मुझसे बहुत पहले निकले थे। तो मैं सार समझा ये अभी कुंडमल्ली पहुँच गए होंगे, तो इधर ही थे। तो अभी हम निकल रहे हाँ बेदा का, तो सिटी में थे बच्चे के साथ, उधर से आ रहे थे। ये हम भाई हिंगोल पहुंच गए और ये होटल जो बंद है, सिर्फ वो दुकान है खुला है, खाने पीने की कोई चीज़ नहीं। हमने अपने बंदोबस्त किया हुआ है, मगर ये लड़के फैसला कर रहे हैं कि अभी हमने कहाँ जाना है, जो पिछले साल जाते थे हम। तो अभी हम इधर कुंडमलीर पहुँचे हैं, तो कुंडमलीर में यही फैसला ही सारे कर रहे हैं कि अभी हमने आगे जाना है या इधर रुकना है, क्योंकि 4 बजे का टाइम है जो सर के टाइम, सॉरी 4 बजे का टाइम है जो फजर के टाइम, वहाँ बारिश का जो इम्कान है। और क्योंकि वहाँ ऐसी जगह पे हम जा रहे हैं जहाँ भागने का कोई मौका नहीं है, तो कोशिश करेंगे अभी कहाँ का प्रोग्राम होगा तो निकलेंगे साथ। हमने तो बारिश का फुल बंदोबस्त किया हुआ है, ये प्लास्टिक बैग मैग वगैरह सारे सेफ हैं। तो शुरू में देखे के साथ और ये पीछे हम यहाँ पहुँचे। हमने आधा घंटा पौना घंटा हमने रेस्ट किया है, तो अभी रेस्ट करने के बाद लकड़ी खरीद, लकड़ी लेके आया। अभी कोने में जाके वहाँ बर्तन बर्तन पड़े हुए हैं और लकड़ी, क्योंकि एक तो ये है कि कोई यहाँ कराची साइड का कोई बंदा ही नहीं है, और हमारे यहाँ और हमारे के यहाँ बैठे हुए हैं। वजह ये है कि वजह पेट्रोल है, पेट्रोल 250 तक पहुंच गया है, उस वजह से कोई गरीब बंदा यहाँ नहीं आ सकता। और यहाँ जो पिकनिक पॉइंट्स हैं, जो आर्ट्स हैं, जो दुकान है, वो सारे वीरान के वीरान पड़े हुए हैं। और वही है कि महंगाई है, तो ये है कि आप पेट्रोल जब आप बढ़ाएंगे तो आप ये भी भूल जाएंगे आपकी जो बिज़नेस और भी मतलब चलेंगे। सारे घर पर बैठे हुए हैं और ये वो मौसम है जो बारिश हो रही है और हल्की फुल्की पवार और लोग उसमें एंजॉय कर रहे हैं। तो भी जाएंगे, खाना शाना पकाएंगे, तो खाने के बाद खाना खाएंगे, फिर जो होगा सुबह होगा। तो साथ रहें, तो मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ ग्रुप के बंदे हैं जो ठीक है, जिनका रास पास होने वाला है। और इधर इस साइड पे ये ग्रुप के बंदे सारे बैठे हैं। अभी इधर उसको मैं ब्लर करूँगा। तो साथ रहे, हम जाएंगे खाना शाना कैसे, क्योंकि 2 टाइप के डिशेज पका रहे हैं। तो देखेंगे कि रोटी हमने घर से उठा के लेके आए, तो साथ रहे आप स्टेट में देखे साथ। थैंक यू लाला। ये सारे बाइक हैं, हम बैठे हुए थे, अभी वो उधर जाके पका रहे हैं कुछ ना कुछ। तो ये मेरी शांतुल, क्योंकि रास्ता बहुत था, ये पूरा का पूरा सर्विस करना पड़ेगा जब घर इंशाल्लाह वापस हम जाएंगे। ये सूरज ग्रूब हो चुका है, ये सिर्फ आसमान नज़र आ रहा है। जब हम पका रहे हैं, कुछ बर्तने वगैरह कम पड़ रही हैं। ऊपर जो घर है वो घर से लेके लड़के को भेजा है, वो घर से कोई बर्तन शर्तन लेके आए, फिर हम यहाँ पकाएंगे। 2 बंदे गए हैं ऊपर बर्तन लाने के लिए, तो बारिश भी आगे हो रही है। ऊपर शेड के नीचे मैं बाइक को लेके आया इधर ही जी। ये हम घर से लेके आए हैं कोई 3-4 किलो आधा किलो वाले जो गोश्त हैं, क्योंकि बर्फ़ हमें 5 किलो से ऊपर है, क्योंकि बर्फ़ हमें अपने इलाके में नहीं मिला, सारे फैक्ट्रियाँ बंद थी। और यहाँ गोंड में आके इधर भी हमें बर्फ़ नहीं मिले, तो इधर हम पकाएंगे। और ये है भाई रात का खाना, रात को तैयार होने को। अभी हम इसको साफ़ करेंगे, फिर जाएंगे। इसको सलमान भाई और आसिफ भाई इसको क्या क्या पकाएंगे? सर इसका एक कढ़ाई बनाएंगे। अच्छा, एक कढ़ाई पकाएंगे जी, रोस्ट सिस्टम बनाएंगे। अच्छा, 2 सिस्टम बनाएंगे, एक कढ़ाई का और एक रोस्ट का। तो साथ रहें, देखते हैं ये कढ़ाई कैसे बनाएंगे और रोस्ट। आसिफ कढ़ाई बनाने में बहुत माहिर है और सलमान भाई रोस्ट का। जी बिल्कुल, हम खाने वाले में खाने वाले हैं। हम इस इंतज़ार में तो जल्दी पक जाए, क्योंकि हमने रास्ता दोपहर का खाना तो हमने दोपहर में खा लिया है, अभी काफ़ी घंटे गुजर गए तो अभी ये पक जाएगा इंशाल्लाह। जल्दी हम कोशिश करें, सलमान भाई जल्दी पक जाएगा ना, घंटा डेढ़ में हम बर्दाश्त करेंगे। तो चलो आप साथ रहें, वक्तन पर वक्तन मैं अपडेट देता रहूँगा आप लोगों को। एक खूबसूरत पिकनिक पे हम आए हैं कुंडमली। कुछ फरमा रहे थे आप? हम बस लड़के खेल रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, वेट के बाद कर रहे हैं। आपके ना वैसी राय रास्ता गुड यार, तो यहाँ वही खेल रहे हैं सारे बच्चे। दैया नहीं गिरू की बोलते हैं जो बराबर है ना, नहीं मोबाइल से मुझसे हाँ ओके जी। ये अभी खाना बना रहे हैं तो अभी मिलेंगे खाने के ऊपर, तो इंशाल्लाह टेस्ट अच्छा ही होगा। और खाना खाने के बाद फिर हम सोएंगे, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी सुबह। अभी खाने के ऊपर मिलेंगे। ये हमारी जो देग है तैयार हो गई है और थैंक यू सलमान और एंड आसिफ। हर चलो अभी तौकीर भाई भी हैं और ये भी आ रहे हैं अभी इसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आ गया आपका खाना, ये आ गया और सारे बिस्मिल्लाह पढ़ रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मज़ेदार मज़ेदार। थैंक यू। अभी हम इंशाल्लाह सुबह मिलेंगे, तो साथ रहें। रोटियां इनको देंगे, बंद करो अभी।